टोकन से टर्म्स बनाने का जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम टोकन से जब टर्म्स बना रहे हैं तो उन टर्म्स ने इवेंचुअली जब इंडेक्स में जाना है तो कम से कम टर्म्स को इंडेक्स में भेजा जाए ये एक प्रॉपर कंसिडरेशन है जिसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा टर्म्स हम जनरेट करेंगे उतना ही इंडेक्स का साइज़ ग्रो करना शुरू हो जाएगा कन्वर्सली जितनी हमारे पास कम टर्म्स होंगी उतना ही ज़्यादा इंडेक्स का साइज कम हो जाएगा और उनके कोरिस्पोंडिंग पोस्टिंग्स की एंट्रीज़ टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग होती रहेंगी दो सिग्निफिकेंट तरीके हैं जिनसे हम टर्म्स की तादाद को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये दोनों तरीके लिंग्विस्टिकली या लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम ऑब्टेन करते हैं एक तरीके का नाम है लेमटाइजेशन और दूसरे तरीके का नाम है स्टेमिंग लेमाटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम जो टर्म्स हैं उनको उनके किसी बेस फॉर्म की तरफ या आप ये कह लें कि हम उसको उसके जो हेडवर्ड फॉर्म है उसकी तरफ कन्वर्ट करते हैं हेडवर्ड फॉर्म से मुराद ये है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस आर एम हेडवर्ड फॉर्म अगर इन तीनों वर्ड्स की देखें तो वो बी है बी ई बी इन फैक्ट ये सारे की सारी डिफरेंट रिप्रजेंटेशंस हैं इस बी की बी के कॉरस्पोंडिंग एम आर इज वर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बी लव से ड्रिवन है तो हम करते क्या हैं एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं और उसके अंदर से हमें एम इज़ आर ये एनकाउंटर करते हैं हम तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम जो टोकन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म जनरेट करनी है वो टर्म बी हम जनरेट करें और बी टर्म को डिक्शनरी या इंडेक्स की तरफ भेज दें यानी कि इज एम आर इन सब की पोस्टिंग्स इन्वर्टेड इंडेक्स में लवस बी के अगेंस्ट मौजूद होंगी प्रॉपर डेफिनेशन जो कि फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें लेमटाइजेशन की तो दैट इज इट्स अ लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल विच यूज डिक्शनरीज एंड मोर्फोलॉजिकल एनालिसिज ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर टू रिटर्न द बेस और डिक्शनरी फॉर्म ऑफ अ वर्ड इसमें जैसा कि एग्जाम्पल से भी हमने देखा के एक पर्टिकुलर वर्ड के डिफरेंट वेरिएंट्स हो सकते हैं जिस तरह हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिस तरह गो वेंट गौन है तो गो वेंट और गौन तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इसकी लेमटाइजेशन करें तो हम एक कोई चूज कर सकते हैं जो कि गो है गो वर्ड हम चूज करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के जो लफ्स हम एनकाउंटर कर रहे हैं वो वेंट था या गॉन था अपार्ट फ्रॉम द वर्ब्स हम दूसरे अलफाज को भी लिमिटाइजेशन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं जिस तरह एक एग्जाम्पल क्या है कार कार में प्लूरल भी हो सकता है कार्स या हम कह सकते हैं कार्स इंजन जिसमें एस से पहले एक अपोस्ट्रोफिकॉमा है और इसी तरह कार्स के और वेरियंट्स भी हो सकते हैं तो ये कार कार्स और अपिकोमा वाला कार्स इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लेमिटाइजेशन के बाद फॉर्म गेट करेंगे दैट विल बी कार एक पर्टिकुलर फॉर्म हमने गेट कर लेनी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारी की सारी डाटा एंट्रीज हुआ करेंगे यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हम बहुत सारे अल्फाज को एक अल्फाज की तरफ कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम इस तरीके से डिक्शनरी को मैनेज करें या इंडेक्स को मैनेज करें कि बहुत सारे अल्फाज के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक लफ्ज़ की एंट्री हो तो ये हमारी जो एक्केबलेंस क्लास की रिप्रजेंटेशन है उसकी तरफ हमें लीड करता है तो अगर हम डिक्शनरी के अंदर एक एंट्री करें मुख्तलिफरेंट्स की तो हम इनफैक्ट इम्प्लिसिटली एक एक्वलेंस क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसको गवर्न कौन कर रहा है ये लेमेटाइजेशन तो गो के सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स को भी हम इसी तरीके से हैंडल कर सकते हैं नॉट एंटोनिम्स तो वो एक डिफरेंट तरीका है लेकिन यहाँ पे जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक तरीका जिसको लेमेटाइजेशन कहा गया है वो इस्तेमाल करते हुए हम एक्वलेंस क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं बहुत सारे अल्फाज के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंपल वर्ड के ऊपर उन्हें कन्वर्ट करके इसी चीज़ को हम कोई एक्सपेंशन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यानी कि ये हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि हम लिमिटाइजेशन को एक्वलेंस क्लास के थ्रू एंटरटेन करना चाहते हैं इंप्लीमेंटेशन लेवल पर या उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आ, कोई कोरी एक्सपेंशन का मेथड जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अब कोरी एक्सपेंशन को किस तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसमें ये है कि जब भी हम इज़ एम आर का लफ्स इंकाउंटर करें इनमें से कोई एक लफ्स भी इनकाउंटर करें तो उसको हम इसके जितने भी लिमिटाइजेशन वाली फॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर इसे एक्सपैंड कर दें यानी कि कोरी अगर हमारे पास कोरी में लफ्ज़ इज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ना सिर्फ हम के कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टिंग्स चेक करें इंडेक्स में बल्कि एम के कॉरस्पॉन्डिंग भी करें आर के कॉरस्पॉन्डिंग भी करें तो इस तरीके से लिमिटाइजेशन जिस तरह से एक सूरत में इंडेक्स को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो दूसरी सूरत में वो कुरी को एक्सपैंड करने की सूरत में इस्तेमाल हो सकती है जिसमें क्या होगा कि इस सूरत में जो इंडेक्स हम बिल्ड करेंगे उसमें हर लफ्ज़ इंडिविजुअली इंडेक्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा इसका लफ्स भी एग्जिस्ट करेगा एम का भी और आर का भी इंडेक्स के अंदर इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर जो हमारी टर्म्स फीड हुई होंगी वो सबकी सब, सब होंगी लेकिन जब हम कुरी को प्रोसेस करेंगे उस वक्त हम लेमेटाइजेशन को इस्तेमाल कर लेंगे और लेमेटाइजेशन के थ्रू कुरी एक्सपेंशन कर लेंगे यानी कि इनमें से कोई एक लफ्स भी आ रहा है तो इसकी सारी लेमेटाइजेशन के हिसाब से जो फॉर्म्स बनती हैं उन सब फॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो क्वेरी सादी क्वेरी नहीं रहेगी बल्कि वो एक्सपेंडेड क्वेरी बन जाएगी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं इस वक्त आप स्लाइड पर देख सकते हैं द बॉयज कार्स आर डिफरेंट कलर्स अगर ये हमारे पास एक फ्रेज है तो इस फ्रेज की जो लेमाटाइज फॉर्म है दैट विल बी द के कॉरस्पोंडिंग जो लिमिटाइजेशन के बाद फॉर्म आती है वो द ही रहेगी बॉयज के साथ कॉमा है तो ये अपनी बेस फॉर्म पे आ जाएगा और इसमें कॉमा और एस खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बॉय रह जाएगा कार्स अगेन एक प्लूरल है तो उसको भी बेस फॉर्म पे जब हम लेके आएंगे तो वो उसका एस उमिट हो जाएगा और वो कार की तरफ चला जाएगा आर जो है अगेन वो उसकी हमारे पास लेमटाइज्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है विच इज़ बी तो आर के कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड बी रिप्लेस हो जाएगा और डिफरेंट का जो लफ्ज़ है वो एज इट इज़ हमारे पास लेमेटाइजेशन उस पर कोई असर नहीं डाल रही और अगेन कलर्स का जो लफ्स हमारे पास हम इनकाउंटर कर रहे हैं वो भी प्लूरल है तो उसके अंदर से जो प्लूरल वाला एस है लास्ट एस उसको हम एलिमिनेट कर देंगे एंड दैट विल रिजल्ट इन टू कलर तो ऑल इन ऑल जो हमारा सेंटेंस था द बॉयज कार्स आर डिफरेंट कलर्स ये लिमिटाइजेशन के बाद द बॉय कार बी डिफरेंट कलर इसके ऊपर कन्वर्ज किया जाएगा और हम द बॉय कार बी डिफरेंट और कलर के जो अल्फाज हैं इनको इंडेक्स की तरफ भेज देंगे और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स की जिस भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम इस वक्त जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग पोस्टिंग्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी एंट्रीज इन अल्फाज के कॉरिस्पॉन्डिंग कर देंगे ये एक तरीका है जिससे कि लिमिटाइजेशन हैंडल हो सकती है लिमिटाइजेशन जो है इसमें प्रॉपर नाउंस को अगर हम देखें जिस तरह पाकिस्तान है या इंडिया है या किसी का नाम है बराक ओबामा ये सारे अल्फाज जो हैं इनके ऊपर लेमटाइजेशन कोई इंप्लीकेशन नहीं देती यानी कि ये अल्फाज एज इट इज रहेंगे ये प्रॉपर नाउंस हैं तो प्रॉपर नाउंस के ऊपर लेमटाइजेशन सर्टनली इसको कुछ नहीं करना चाहिए ये एज डेमसेल्स रहने चाहिए तो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसे अल्फाज जो कि मोरफोलॉजिकल बिहेवियर जिनके अंदर एग्जिस्ट करता है जैसा कि वर्ब्स हैं या प्रोपोजिशंस को अगर आप देख लें उनके ऊपर भी कुछ कंसिड्रेशन की जा सकती है तो प्लूरल्स के ऊपर कुछ कंसिड्रेशन्स दी जा सकती हैं तो ऐसे अल्फाज जिनके कुछ वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म से ड्रिवन है उनके ऊपर लेमेटाइजेशन अप्लाई की जा सकती है और उनको किसी बेस फॉर्म में लाया जा सकता है एक और एग्जांपल जो लेमटाइजेशन की हम देख सकते हैं दैट इज अ वर्ड सौ एस ए डब्ल्यू अब ये जो लफ सौ है ये दो फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं ये वर्ब की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है और नाउन की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। इस सौ के वर्ड को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये सौ का लफ्स वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या नाउन के तौर पर तो जिस भी पर्सपेक्टिव में ये इस्तेमाल हो रहा है हमारा लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का अगर कोई मॉड्यूल है या मोफोलॉजिकल एनालिसिस को हम थॉरली कर सकते हैं तो उसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम किसी तरीके से डिवाइज कर लें लैंग्वेज रूल्स के मुताबिक तो ये चीज़ फिगर आउट की जा सकती है और ऐसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स इजीली अवेलेबल हैं जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एक्सपोज कर देते हैं तो ये पता लग सकता है कि सौ का लफ्ज़ वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है या नाउन की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है जब हमें ये बात पता लग जाती है तो हमें सेंटेंस में जिस कॉन्टेक्स्ट में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो वाजे हो जाता है तो इस किस्म की एम्बिग्विटीज़ को भी रिजॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है इस पर्टिकुलर लेमेटाइजेशन टाइप एक्टिविटी करते हुए ताकि ऐसा ना हो कि लफ्ज़ का जो इस्तेमाल है वो वर्ब के कॉन्टेक्स में हो रहा हो और हम उसे लेमेटाइज कर दें नाउन के हवाले से इन प्रिंसिपल नाउन को तो हम लेमेटाइज करते ही नहीं है इट शुड बी कन्वर्स कि हमारा जो इस्तेमाल है लफ्ज़ का वो नाउन की फॉर्म में हो रहा है और हम उसे वर्ब के हवाले से लेमाटाइज़ गलती से ना कर बैठें तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एक्सपोज कर देगा और अगर तो नाउन है तो लफ्स सौ एज इट इज़ इंडेक्स का पार्ट बन जाएगा और अगर ये वर्ब है तो इसमें सी सौ और सीन तीन फॉर्म्स इसकी एग्जिस्ट करती हैं और ऑब्वियसली हमने बेस फॉर्म पे जाना है तो सी एस .E. जो है वो इसकी लेमाटाइज फॉर्म बन जाएगी और इसकी जो वर्ब की अपेयरेंस है वो लफ्स सी के अगेंस्ट पोस्टिंग्स में जाएगी या अगर हम कैबुलेंस क्लास नहीं इस्तेमाल कर रहे और कोरी एक्सपेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी चीज़ को हम कुरी को हैंडल करते वक्त इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्या होगा कि हम हमारे पास जब किसी कोरी के अंदर लफ सौ लिखा होगा तो अगेन हम कुरी के हवाले से ये चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लफ़ सौ है सब्ल्यू ये नाउन की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है या वर्ब की फॉर्म में अगर ये वर्ब की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी इसके वेरिएंट्स हैं सौ और सीन उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे कोरी एक्सपेंशन के प्रोसेस में और अगर ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम कोई एक्टिविटी भी नहीं करेंगे तो इन प्रिंसिपल हमारे पास लिमिटाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं एक एबुलेंस क्लास के थ्रू दूसरा हम इसके कोरिस्पोंडिंग कोई क्वेरी एक्सपेंशन कर सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास से हैंडल करते हुए है, इंडेक्स का साइज नस्बतान कम हो जाता है लेकिन क्वेरी एक्सपेंशन पे लोड बढ़ जाता है यानी कि हम डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं एक लफ्ज़ के उन सबको इनकॉर्परेट करना उन उनके कोरिस्पोंडिंग एक पर्टिकुलर बेस फॉम डिटर्मिन करते हैं और फिर उसमें सर्चिंग करते हैं और अगर हम इसको कोरी एक्सपेंशन के तौर पर करें तो उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है तो इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं ये हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि हम इस प्रोसेस में कौन से वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल करें और इसके इस सारी अमल में लैंग्वेज जो हम इनकॉप्रेट कर रहे हैं इंग्लिश है फ्रेंच है जर्मन है फिनिश है वट एवर लैंग्वेज जिसको भी हम इनकॉर्प्रेट कर रहे हैं उसका भी एक सिग्निफिकेंट अमल दखल होता है और ये चीज़ इवेंचुअली एम्पेरिकल एनालिसिस के बाद फिगर आउट की जाती है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब हम लेमेटाइजेशन कर रहे हैं तो क्या वो लेमेटाइजेशन प्रिसन और रिकॉल को पॉजिटिवली इम्पैक्ट दे रही है उसका या इंडिफरेंट बिहेवियर है या फिर के कोई नेगेटिव बिहेवियर आ रहे हैं अगर इंटुटिवली इस बात को देखा जाए तो इन प्रिंसिपल इस तरह की लेमेटाइजेशन जो है उससे रिकॉल बढ़ जाना चाहिए उसकी वजह यह है कि क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स की ये बढ़ा देती है तो जब पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ा देती है कि इज़ लिखा हो तो एम और आर वाले डॉक्यूमेंट्स भी रिट्रीव हो रहे हों तो सर्टेनली इज वाले तो होंगे ही साथ में एम और आर वाले भी जब हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी इनक्रीज़ कर सकती है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ तो रेलिवेंट निकल ही आएंगे तो रिकॉल तो सर्टनली बढ़ती हुई हमें नजर आती है लेकिन इसका प्रिसीन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल क्वेरी प्रोसेसिंग के अंदर क्या ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को तो नहीं रिट्रीव करना शुरू कर देता जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट सेट में आने शुरू हो जाएं और उसके बाद रैंकिंग के अंदर हमें काफ़ी सारा लोड लेना पड़े उन अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को भी रैंक करते हुए और फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनको हम इन द फॉर्म ऑफ रिज़ल्ट यूज़र को प्रजेंट करें तो इसका इसके लिए एक एम्पेरिकल एनालिसिस कर लिया जाता है डिफरेंट लैंग्वेज़ के ऊपर और देख लिया जाता है कि क्या लेमटाइजेशन सूटेबल है या किस हद हाँ तक लेमटाइजेशन सूटेबल है और किस हद हाँ तक नहीं है एक और वेरिएंट है जिसके थ्रू हम टोकन्स को टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्टेम्प्ड फॉर्म में इंडेक्स के अंदर भेज देते हैं जो हमारे इन्वर्टेड इंडेक्स है उसमें स्टेम्ड फॉर्मैट में अल्फाज को हम इंडेक्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं अब यह स्टेमिंग है क्या स्टेमिंग लूट वर्ड के ऊपर उस पर्टिकुलर वर्ड के रूट के ऊपर जाने का प्रोसेस है हर एक लफ्स की एक बेस फॉर्म होती है इन पर्टिकुलर अगर अरेबिक लैंग्वेज को देखा जाए तो उसमें लफ्ज मादा इस्तेमाल किया जाता है कि हर एक लफ्स का एक मादा है जिससे कि वो इवॉल्व हुआ है जिससे वो लफ्स क्रिएट किया गया है तो हर लफ्स की एक बेस फॉर्म होती है या रूट फॉर्म जिसे कहा जाता है उसके ऊपर एक लफ्स को कन्वर्ज करने के अमल को स्टेमिंग कहा जाता है स्टेमिंग से हम अचीव क्या करते हैं अगेन एक लफ्स के बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं स्टेमिंग की एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें ऑटोमेट ऑटोमेशन ऑटोमेटिव ऑटोमोटिव यह सारे अल्फाज जो हैं ये वेरियंट्स हैं एक खास लफ्ज़ के अगर गौर करें तो एक खास लफ्ज़ के पोस्ट फिक्स के अंदर कुछ एडिशन करने से लफ्ज की नोयत बदल रही है जिस तरह हैंडफुल एक लफ्स है हैंडफुल में हैंड के आगे फुल डालने से इसका मतलब यकसर बदल जाता है तो फुल का जो सफेक्स हमने हैंड के साथ अटैच किया है ये इस लफ्स के ऊपर असर डाल रहे हैं इसी तरह ऑटोमेशन का जो लफ्ज़ है ये ऑटोमेट के लफ्स को के आगे हम शन का लफ्स एक्चुअली डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक जो बेस वर्ड है उसके आगे कुछ ना कुछ वेरिएबली डिफरेंट सफेक्सेज हम कॉमन सफेक्सेज अप्लाई करते हैं जिससे के लफ्स की मानी और उसकी मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं तो स्टेमिंग में हम करते क्या हैं कि इन्हीं सफेक्सेस को फिगर आउट करके उनको एलिमिनेट करके औरिजिनल लफ्स की तरफ लाने की कोशिश करते हैं अगेन ये सफेक्स को हटाना और ओरिजिनल वर्ड की तरफ एक पर्टिकुलर वर्ड को लेके जाना ये रूट वर्ड की तरफ से हम लेके जाते हैं और जब उस रूट वर्ड को हम इंडेक्स का हिस्सा बनाएंगे और किसी दूसरे वेरिएंट को इंडेक्स का हिस्सा नहीं बनने देंगे तो ये एक खास किस्म के इक्विवेलेंस क्लास को इनकॉर्पोरेट करने की तरफ हमें लेके जाता है यानी कि हम अगेन बहुत सारे वेरिएबल्स या वेरियंट्स जो एक लफ्स के हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग एक लफ्स अचीव कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम एकेबलेंस क्लासिंग कहते हैं जिस तरह के हमें अभी हमने ऑटोमेट के एक एग्जाम्पल ली है इसी तरह कंप्यूटेशन कंप्यूट कंप्यूटर कंप्यूटिंग ये सारे अल्फाज भी लफ्ज कंप्यूट से ही जनरेट होते हैं और इसी की ये वेरिएंट्स हैं तो इन वेरियंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग भी अगर हम आखिर के सफेक्सेस को समहाओ रिमूव करके इसको कन्वर्ट कर दें लफ्स कंप्यूट के ऊपर तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको क्या कहेंगे कि हमने स्टेम कर दिया इन सारे अल्फाज को उनके रूट के ऊपर विच इज़ कंप्यूट और हम रूट को इंडेक्स में भेजेंगे तो जब हम बहुत सारे वेरिएंट्स के कोरिस्पॉन्डिंग एक एंट्री कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर तो ऑब्वियसली अगेन इंडेक्स का साइज़ कम हो जाएगा सर्टेनली इंडेक्स का साइज़ तो कम हो जाता है लेकिन होता क्या है कि एक लफ्ज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोस्टिंग्स का साइज है वो उसी हवाले से इंक्रीज भी होना शुरू हो जाता है पोस्टिंग्स जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इंडेक्स बिल्ड करते हैं तो हर हर लफ्स अलग से इंडेक्स का पार्ट बनता है और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसमें कि एक लफ्ज अक्कर कर रहा है उसकी एंट्री हर लफ्ज़ के सामने होती है मिसाल के तौर पर जो लफ्स कंप्यूट अभी हमने डिस्कस किया तो डॉक्यूमेंट D1 के अंदर अगर कंप्यूट आ रहा है तो D1 की एक एंट्री कंप्यूट के कोरिस्पोंडिंग पड़ी होगी इसी तरह अगर डॉक्यूमेंट D5 के अंदर भी कंप्यूट का लफ्ज़ आ रहा है तो वहाँ पे भी होगी और जब हम स्टेमिंग करते हुए रूट वर्ड के ऊपर ही कंप्यूट कंप्यूटेशन कंप्यूटर को भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो लफ्ज़ कंप्यूटर्स और कंप्यूटेशन भी जिन जिन डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं वो भी कंप्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग ही एंट्रीज़ एड अप हो रही होंगी उसी में अपेंड हो रहा होगा सारा कुछ तो इस तरह से जो एंट्रीज़ लफ्स कंप्यूटेशन के अगेंस्ट होनी थी जो डॉक्यूमेंट की एंट्रीज़ लफ्स कंप्यूटर के अगेंस्ट होनी थी वो सारी एंट्रीज़ भी लफ्स कंप्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग हो रही हैं तो जितने भी वेरिएंट्स कंप्यूट के हैं उन सब की एंट्रीज़ इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी इस तरीके से इंडेक्स का साइज़ तो के कम हो जाता है लेकिन जो पोस्टिंग्स की एंट्रीज़ हैं एक खास टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग उनका साइज सर्टेनली इंक्रीज कर जाते हैं तो ये जब भी हम इक्विवेलेंस क्लासिंग करते हैं उसमें ये चीज़ हमारे एज एज अप्रिकॉशन हमारे सामने आती है कन्वर्सली अगर हम इसी चीज को हैंडल करने की कोशिश करें कोई एक्सपेंशन के थ्रू तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कोरी एक्सपेंशन जब हम करेंगे स्टेमिंग के हवाले से तो अगेन होगा क्या कि हम जब डाटा की एंट्री कर रहे हैं टर्म्स से टोकन्स जनरेट कर रहे हैं उस वक्त हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेंगे बल्कि हर एक वर्ड को जो कि हमने टोकनाइज़ किया है उसको एज एट इज़ इंडेक्स का हिस्सा बनने देंगे यानी कि कंप्यूट, कंप्यूटर, कंप्यूटेशन कंप्यूटेड, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हमारे इंडेक्स के अंदर पड़ी होंगी और ये सब डिस्टिंक्ट अल्फाज की सूरत में हम टा एंट्री कर रहे होंगे जबकि जब कोई जब आएगी उस वक्त हम क्या करेंगे उस वक्त हम लव्स कंप्यूट, अगर हमारे पास आ रहा है तो हम उसके कोरिस्पोंडिंग कंप्यूटर कंप्यूटेशन कंप्यूटिंग ये सारे वेरिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे इन सारे वेरिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करने से होगा क्या कि हमारी कोरी जो ओरिजिनली लवस कंप्यूट पर थी वो अब कंप्यूटिंग कंप्यूटर को भी इंकॉर्पोरेट करके एक्सपेंड कर गई है और हम उन अल्फाज के कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट की एंट्रीज़ हैं उनको भी इस क्वेरी के रिजल्ट सेट में शामिल कर लेंगे तो ये दूसरा तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं क्वेरी एक्सपेंशन इसमें इंडेक्स का साइज़ बड़ा हो जाता है लेकिन हर लफ्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोस्टिंग्स का साइज़ है वो नस्बता कम हो जाता है तो ये दोनों तरीके हैं जो भी इनमें से हमें नस्बता बेहतर परफॉर्मेंस दे इनफैक्ट इनकी परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होगा कोरी टाइम में परफॉर्म करने में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है कि जब हम कोरी को एक्सपेंड करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से हैंडल करे कोरी एक्सपेंशन जो है अगेन वो हमें थोड़ी सी लेवरेज भी दे सकती है कि हम एक लफ्स की जब एक्सपेंशन करें तो उस हवाले से करें जो कि ज़्यादा सही अल्फाज हैं यानी कि कम्प्यूट के हवाले से कंप्यूटिंग और कंप्यूटर को और कंप्यूटेशन ये इसके वेरिएंट्स हैं तो इनमें से उन वेरिएंट्स को इनकॉर्पोरेट करें जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रू आंसर्स लाने में मदद देते हैं तो जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम स्टेमिंग के के हवाले से क्वेरी एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंशन में हम अगर इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें सिस्टम के बिहेवियर को एनालाइज करते हुए तो वो सर्टनली हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि स, तमाम वेरिएंट्स को इस्तेमाल करने के बजाय हर हर वेरिएंट के उन उन वेरियंट्स को इस्तेमाल करें जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल हैं ज़्यादा क्लोज हैं गिवन वर्ड के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम स्टेमिंग को समझने की कोशिश करते हैं इस बॉक्स में आपको नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल कंप्रेस्ड एंड कंप्रेशन आर बोथ एक्सेप्टेड एज इक्वलेंट टू कंप्रेस इस बॉक्स में जो कुछ लिखा हुआ है वो इन अ वे स्टमिंग की अंडरस्टैंडिंग भी हमें दे रहा है लेकिन इसी चीज़ को अगर हम स्टेम करके और देखें कि इन अल्फाज के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेम्ड वर्जनज़ हैं वो क्या हैं तो फॉर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा एग्जाम्पल के अंदर जो ई है वो एलिमिनेट हो गया है और ये लफ्ज़ ई एक्स एम पी एल तक रह गए कंप्रेस्ड जो है उसके अंदर जो ई डी एंड पे सफिक्स में था वो ई डी खत्म हो गया और ये लफ्ज़ कंप्रेस बन गए एंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगेन कंप्रेशन एक और वेरिएंट है लफ्स कंप्रेस का जिस तरह पहले कंप्रेस्ड आया अभी कंप्रेशन आ गया तो कंप्रेशन जो है अगेन वो अपने रूट कंप्रेस के ऊपर कन्वर्ज हो गया आर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा बोथ तो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा एक्सेप्टेड अगेन एक वेरिएंट है लफ्ज़ एक्सेप्ट का तो एक्सेप्टेड जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने लव्स एक्सेप्ट गेट कर लिया है स्टेमिंग के बाद एज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वलेंट अगेन एक वेरिएंट है इक्वल का तो इक्वल जो है वो इसके अगेंस्ट हमने गेट कर लिया है टू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और अगेन कंप्रेस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसकी जो स्टेम्प्ड फॉर्म है इस पूरे सेंटेंस की वो हमें प्रोसेसिंग के बाद वो भी नजर आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें के जो इनकम्प्लीट है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल का ई जो है वो एलिमिनेट हो गया अब ये कोई वैलिड डिक्शनरी वर्ड नहीं है इस सूरत में करना क्या चाहिए सर्टनली जो स्टेमर्स काम करते हैं वो भी हम डिस्कस भी करेंगे वो कुछ खास रूल्स के ऊपर काम कर रहे थे मॉर्फोलॉजिकल रूल्स के ऊपर काम कर रहे थे कि इन इन जनरल जो अंग्रेजी जबान की अगर के ऊपर हम फोकस करें जिसको इस वक्त हम अंडर कंसिड्रेशन लिए हुए भी हैं उसमें अल्फाज बनाने का तरीका एक कार क्या है यानी कि एक लफ्ज़ से जब मुख्तफ वेरियंट्स बनाए जाते हैं तो लैंग्वेज कौन कौन से तरीकों से एक लफ्ज़ के वेरियंट्स डिफाइन करती है कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर लैंग्वेज के एक्सेप्शन सर्टनली होती हैं लेकिन ये इस तरह के टूल्स करते क्या हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वेरियंट्स हैं उनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं तो जब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज आ गया जो डिक्शनरी में एक्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या हम उसे एज़ इट इज़ जाने दें तो ये मुनासिब बात नहीं है करना ये चाहिए कि चूँकि हम खुद से प्रोसेस कर रहे हैं और ये स्टेमिंग का मॉड्यूल जो है इस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के अंदर हमने खुद से एम्बेड किया है आइदर एट कुरी प्रोसेसिंग टाइम और एट डॉक्यूमेंट प्री प्रोसेसिंग टाइम जिसका मतलब ये है कि इंडेक्स में डॉक्यूमेंट को इंजेक्ट करते हुए या तो हम स्टेमिंग कर रहे हैं या अगर हम कोरी एक्सपेंशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब कोरी आई है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम स्टेमिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात यह है कि जब हम एक ऐसे लफ्ज़ को इनकाउंटर कर चुके हैं जिसके स्पेलिंग ठीक नहीं है तो हम उसके लिए स्पेलिंग करेक्शन टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि स्ट्रिंग मैचिंग का कोई भी रीज़नेबल एल्गोरिथम इस्तेमाल करके हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि जो हमारा हमने रूट वर्ड फिगर आउट किया है स्टेमिंग के थ्रू उसका क्लोजेस्ट करेक्ट वर्ड क्या है तो ये एग्ज़ाम्पल का ई जो मिसिंग है हमें कोई भी नॉर्मल सा या मुनासिब सा स्ट्रिंग प्रोसेसिंग एल्गोरिदम जो है वो ईजिली ये बता सकता है कि ये लफ्स एग्जाम्पल के ऊपर कन्वर्ट कर जाएगा तो एग्जाम्पल और इसमें सिर्फ एक

इंडेक्स का हिस्सा बना दें या क्वेरी प्रोसेसिंग का हिस्सा बना दें स्टेमिंग के लिए डिफरेंट टूल्स या टेक्निक्स डिवाइस की गई हैं इनमें से सबसे कॉमनली यूज्ड जो स्टेमर है दैट इज पोटर स्टेमर जो कि पोर्टर ने बनाया था और इसको बहुत वाइडली इस्तेमाल किया गया है ये स्टेमर जो है ये पाँच डिफरेंट फेज में काम करता है यानी कि फेज वन में कुछ एलिमिनेशन करता है और एलिमिनेशन के बाद जो आउटपुट आती है उसके ऊपर फेज़ टू अप्लाई करता है उसके बाद जो आउटपुट आती है उसके ऊपर फेज़ थ्री अप्लाई करता है तो पांच डिफरेंट फेजेस में ये काम करता है हर फेज़ में डिफरेंट रूल्स अप्लाई करता है डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स और रूल्स को अप्लाई करते हुए लव्स को एक एक्सपेंडेड फॉर्म से एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की तरफ लेके जाता है यानी कि जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सफेक्स अटैच हुआ है सम हाउ उसे रिमूव करने की कोशिश करता है तो पांच डिफरेंट फेजेस में काम करने में जरूरी नहीं होता कि हर फेज़ में ये कुछ ना कुछ चेंज एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर लेके आए ये ज़रूरी नहीं है अगर एक कुछ सर्टन रूल्स अप्लाई होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज में जब हम एंटर हो गए उस स्टेज का जो भी रूल अप्लाई होता होगा वो हो जाएगा अगर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता तो वो लफ्ज़ एज इट इज़ नेक्स्ट फेज़ में चला जाएगा और इस तरीके से फेस बाई फेस लफ्ज़ों के अंदर जो सफेिक्स एड हुए हैं उन सफिक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है अभी तक जितने भी स्टैमर्स बनाए गए हैं उनमें पोटर स्टैमर जो है वो स्टैंड आउट किस्म का स्टैमर है जिसको अभी थोड़ी देर में हम मुख्तलिफ स्टैमर्स की एग्ज़ैम्पल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ़ स्टैमर्स ने एक पर्टिकुलर स्मॉल सेंटेंस को किस तरीके से स्टैम किया और उसमें हमें वादे तौर पर यह नज़र भी आएगा कि वाकई में पोटर का जो स्टैमर है दैट

तो प्रोसेस के लफ्स के अंदर डबल एस ई एस एंड पे नजर आ रहा है इसके अंदर हम अगर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो दैट विल एलिमिनेट एस एस ई एस टू एंड और जो बाकी का लफ्ज़ रह जाएगा वो प्रोसेस है विच इज़ सर्टनली अ वैलिड इंग्लिश वर्ड और हम ट्रूली एक एक्सपेंडेड एक वर्ड से उसका सफिक्स रिमूव करके एक करेक्ट डिक्शनरी वर्ड जो कि वाकई में उसका रूट था उस तक पहुंच गए इसी तरह आई ई एस जो है उसको उसके कोरिस्पोंडिंग ये एलिमिनेशन करके I सिर्फ रहने देता है आई ई एस इन जनरल प्लूरल फॉर्म में जब भी y आता है तो उसके कोरिस्पोंडिंग आई ई एस से हम प्लूरल करते हैं तो उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है और हम इसी तरह के कुछ लफ्ज़ों से इसको समझने की भी कोशिश करते हैं जिसमें स्काइज़ है तो स्काइज में एस के आई ई -E एस होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसने एस के और आई बना दिया है अब ये स्की की तरफ ले जाता है हमें जो कि स्कीइंग एक गेम है जिसमें क्या आप स्नो के ऊपर स्कीइंग करते हैं तो थोड़ा सा करडवे हो कर रहे है, लेकिन स्टिल एक बड़े लफ्ज़ को छोटे लफ्स के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पोनीज़ एक और इसके अंदर है लफ्ज़ जिसको हम इनकॉपरेट कर सकते हैं तो पी ओ एन आई ई एस उसके कोरिस्पोंडिंग पी ओ एन आई रह जाएगा एक और तरीका जो ये इस्तेमाल करता है दैट इज़ ए टी आई ओ एन ए एल एशनल का जो लफ्ज़ है उसको ए टी ई एट में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस तरह रोटेशनल है रोटेशनल एक लफ्स है जिसमें एशनल एज सफेक्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसमें अगर ये एशनल को एलिमिनेट करके ए टी ई से रिप्लेस कर दे तो लफ्स रोटेट बन जाएगा अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंटली लार्ज लेंथ के जो सफेक्स है उसको इसने एलिमिनेट करके एक काफ़ी छोटा लफ्ज़ बना दिया रोटेशनल से रोटेट बना दिए इसी तरह शनल का जो लफ्ज़ है टी आई ओ एन ए एल उसके कोरिस्पोंडिंग ये ए एल आखिरी हटा के शन के ऊपर से कन्वर्ट कर देते हैं तो नेशनल का जो लफ्ज़ है उसमें ए एल हटा के नेशन बन जाता है और अगेन शन के ऊपर भी इसका कोई ना कोई रूल होगा जिसमें कि ये शन को हटा के और कोई ना कोई रिप्लेसमेंट उसकी देता होगा तो इसी तरह से एक और रूल इसका क्या है एस को हटा के कुछ भी नहीं रखता यानी कि सिम्पली लास्ट एस जो है उसको एलिमिनेट कर देता है जिस तरह के प्लूरल्स में अमूमा होता है कैट्स को कैट बना दिया डॉग्स को डॉग बना दिया तो ये एक कुछ रूल्स हैं जो कि पोर्टर स्टमर जो है वो इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि इन अ वे सेंसिटिव होते हैं वर्ड्स के हवाले से कि वर्ड की लेंथ कितनी है और जो सफिक्स है उसकी लेंथ कितनी है जिसको एलिनेट किया जा रहा है और क्या उस हवाले से उसकी एलिमिनेशन होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यानी कि जिस सफेक्स को एलिमिनेट किया जा रहा है उसके अलावा बाकी के वर्ड की लेंथ कितनी है इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम रिप्लेसमेंट का लफ्स इनकॉर्पोरेट करें तो रिप्लेसमेंट के लफ्स के अंदर ई एम ई एन टी एक सफिक्स इस्तेमाल हो रहा e -e है अब ई एम ई एन टी एक सफिक्स है जो कि रिप्लेसमेंट के लफ्ज़ में है इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं एज इट इज़ यानी कि ई एम ई एन टी खत्म कर दें तो रिप्लेसमेंट का लफ्ज़ जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस के ऊपर कन्वर्ट कर देगा अपनी रूट फॉर्म में आ जाएगा लेकिन एक और लफ्ज़ है विच इज़ सीमेंट सी ई एम ई एन टी तो अगर हम किसी भी कॉन्टेक्ट के बगैर इस रूल को अप्लाई करना शुरू कर दें कि ई एम ई एन टी किसी लफ्ज़ के एंड पे आ रहा है

बल्कि उसमें सर्टन कंसिडरेशन्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि क्या इस रूल को अप्लाई होना चाहिए या नहीं तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस सफेक्स विच इज़ गोइंग टू बी रिमूव बाकी लफ्स की लेंथ क्या है अगर उसकी लेंथ एक करेक्टर से ज़्यादा है तो रिमूव कर दें अगर उसकी लेंथ एक करेक्टर ही रह गई है तो फिर उसे रिमूव ना करें ये सिंपल रूल डिफाइन किया जा सकता है जो कि गवर्न करेगा इस एलिमिनेशन को तो जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेस की तरफ कन्वर्ज हो जाएगा उसमें ई एम ई एन टी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर आर ई पी एल ए सी जो है ये इतनी हमारे पास ऑलरेडी जगह मौजूद है ये काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं लेंथ इनकी वन से ज़्यादा है इसलिए ये एलिमिनेशन हो जाएगी ऑन द अदर हैंड अगर हम सीमेंट को देखेंगे तो उसमें ई e एम ई -E एन टी के बाद सिर्फ एक करेक्टर बचता है तो ऑबियसली उस के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा और सीमेंट का लफ्स एज इट इज़ रहेगा तो ये छोटे मोटे इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन हैं उनको भी इंकॉर्पोरेट करता है पोटर कस्टमर अगेन जो रिप्लेसमेंट के अंदर हमने ई एम ई एन टी रिमूव किया है या सफिक्स को रिमूव किया है वो अगेन एक इनवेलिड डिक्शनरी वर्ड की तरफ हमें ले जाता है विच इज़ आर ई पी एल ए सी ई जो है रिप्लेस के एंड पे वो खत्म हो रहा है तो अगेन हम वही प्रोसेस चलाएंगे जिसके थ्रू के हम नियरेस्ट डिक्शनरी वर्ड फिगर आउट करेंगे और वो ऑब्वियसली एक ई e के इजाफे से रिप्लेस ही बनेगा और जब हम इस लफ्ज़ को इंडेक्स में डालेंगे तो प्रॉपर रिप्लेस के ऊपर मैप करके डालेंगे बट सर्टनली स्टेमर ने हमें एक रास्ता दिखा दिया विच इज़ फेयरली वैलिड और हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एग्जैक्ट वर्ड है वो फिगर आउट करके उसको अपने इंडेक्स में इंकॉर्प्रेट कर लेते हैं पोर्टर के अलावा जो स्टेमर्स हैं उनमें भी बहुत सारे स्टैमर्स एग्जिस्ट करते हैं इन स्टेमर्स के हम कंपेरिजन्स भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि ये स्टेमर्स हैं कौन कौन से अगर हम देखें इस वक्त स्क्रीन पर तो हमें एक एग्जाम्पल नजर आ रही है जो कि जिसमें एक सैम्पल टेक्स्ट है एक स्टेमर लॉविनस का है जो कि लॉविन स्टेमर कहलाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी स्टेमिंग हुई है एक पाइस स्टेमर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी स्टेमिंग हुई है तो काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं स्टेमिंग के जो कि एग्जिस्ट करते हैं और टूल्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उन स्टेमर्स के थ्रू हम स्टेमिंग कर सकते हैं स्क्रीन पे अगर हम देखें तो हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसको इन तीनों स्टेमर्स के थ्रू हैंडल करके देखा गया है और हम अपेरेंटली ये जज करने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा स्टेमर निस्टन बेहतर काम कर रहे हैं सो द सैम्पल टेक्सट सच एन एनालिसिस कैन रिवील फीचर्स दैट आर नॉट ईजीली विजिबल फ्रॉम द वेरिएशन इन द इंडिविजुअल जीन्स एंड कैन लीड टू पिक्चर ऑफ एक्सप्रेशन्स एक्सप्रेशन दैट इज मोर बायोलॉजिकली ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसबल टू इंटरप्रिटेशन अब इसमें लफ्स ब लफ्स देखते हैं कि कौन सा स्टेमर क्या कर रहे हैं सच के हवाले से कोई स्टेमर कुछ भी नहीं कर रहा एन के हवाले से कोई स्टैमर कुछ नहीं कर रहा एनालिसिस के हवाले से जो लोविन स्टैमर है वो आखिरी आई एस एलिमिनेट कर रहा है पोटर का स्टैमर जो है वो आखिरी एस को सिर्फ एलिमिनेट कर रहा है और अगेन पाइस का स्टेमर जो है वो भी आई एस जो लास्ट में है एंड पे उसको एलिमिनेट कर रहा है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जब हम इसके कर... और तीनों के तीनों लफ्ज़ जो हैं जो तीनों स्टेमर्स ने जनरेट किए हैं वो तीनों इनवेले डिक्शनरी वर्ड्स हैं इनमें से जब हम देखें तो पोटर का जो स्टैमर है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन लफ्ज़ जनरेट कर रहा है या इन इन फैक्ट एडिट डिस्टेंस सबका सेम ही है मोरलेस एनालाइज के लफ्ज से अगर हम इसको देखें तो जो बाकी दोनों स्टेमरस हैं उनमें ई e एड करना पड़ेगा और पोटर का जो स्टेमर है उसमें आई को ई e से रिप्लेस करना पड़ेगा तो एडिट डिस्टेंस जो है वो मोरलेस सेम है कैन के लफ्ज पर कोई एक्शन नहीं ले रहा कोई भी स्टेमर रिवील का जो लफ्ज है उसमें पोटर स्टेमर उसे रिवील को एज इट इज रहने दे रहा है जबकि लॉबिंस स्टैमर जो है वो आर ई वी ई बना रहा है इसे और पाइस स्टैमर जो है वो आर ई वी बना रहा है तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो हैंडलिंग है वो पोर्टर ने ही की है जिसमें रिवील के लफ्स के ऊपर कोई भी उसने फर्दर एक्शन नहीं लिया फीचर्स जो है उसके अंदर ई e एस जो है वो रिमूव किया है लॉबिंस ने भी और पोर्टर ने भी पाइस स्टैमर जो है उसने इसको फियट बना दिया विच इज विच टेक्स अस अवे फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ल्ड दैट का जो लफ्ज़ है वो किसी स्टैम्बर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया R के ऊपर जो लास्ट E है वो पोर्टर ने और लॉविस ने रिमूव कर दिया जबकि पाइस ने उस R को एज इट इज़ रहने दिया Not के लफ्ज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं है Easily को अगर हम देखें तो लॉविंस और पाइस ने E A S और V I S बना दिया है इस Easily के लफ्ज़ के अगेंस्ट सॉरी ईजी बना दिया है इसने पाइस ने और ई एस आई एल आई बना दिया है पोर्टर ने और ई एस बना दिया है लॉविंस ने तो सबसे ज्यादा इसमें जो अप्रोप्रिएट है वो पाइस का स्टैमर है और दूसरे नंबर पे अगर हमें हम वैल्यूएट करें तो पोर्टर का स्टैमर भी निष्बतन इसको सही रस्ते पे लिए हुए है जबकि ई ए एस से लॉविंस का जो स्टैमर है उससे काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ाज बन सकते हैं बट स्टिल ईजी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता विजिबल को पोटर के स्टैमर ने ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया है वी आई एस आई बी एल इसने बना दिया है जबकि लोवेंस का स्टैमर इसको वी आई एस बना रहा है तो इस तरह से अगर हम बाकी के अलफाज को भी सारों को देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो पोटर का स्टैमर है वो नस्बता बेहतर तरीके से काम कर रहा है लफ्ज़ इंडिविजुल को अगर हम देखें लव्स वेरिएशन को देखें ट्रांसपेरेंट को देखें तो इन इस हवाले से जो स्टेमिंग पोर्टर ने की है वो बाकियों की नस्बत बेहतर है अब इस बेहतरी को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो बेहतरी इस तरह से आइडेंटिफाई हो रही है कि हम एक तो करेक्टनेस इसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए कि जो रूट के ऊपर कन्वर्जेंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम करेक्ट रूटवर्ड की तरफ जा रहे हैं या किसी और लफ्ज़ की तरफ जा रहे हैं जिस तरह फीचर के कॉरस्पॉन्डिंग पाई स्टमर ने फियट जनरेट कर दिया अब ये फीट जो है दैट्स नॉट एनी थिंग रिलेवेंट टू फीचर तो वो हमें एक तरह से करेड अवे कर गया और हमें गलत साइड पर उसने रिडायरेक्ट कर दिया तो इस चीज़ का बहुत रोल होता है कि जब हम स्टम कर रहे होते हैं तो ज़बान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज इन पर्टिकुलर जो इसके इसमें इस्तेमाल हो रही है उसके ख़ास और करेक्ट लफ्ज़ की तरफ वो हमें गाइड करे ना कि वो हमें किसी दूसरी तरफ लगा दे जिससे के नुकसान हो सकता है जो करेक्टनेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी बात ये है कि अगर वो इनकरेक्ट लफ्ज़ भी ला रहे हैं तो वो लफ्ज़ जो असल रूट वर्ड है उससे कितने फ़र्क है यानी कि हम कितनी वेरिएशन या कितने ऑपरेशन करके असल रूट लफ्स की तरफ जा सकते हैं तो अगर बिल्कुल मिनिमल से एक दो ऑपरेशंस करके हम असल रूट वर्ड की तरफ जा सकते हैं तो हमारे स्ट्रिंग मैचिंग के एलग्रदम्स जो हैं वो हमें बड़े इजीली उस साइड पे लेके जा सकते हैं और हम आसानी से रूट वर्ड को फिगर आउट करके अप्रोप्रिएट रूट वर्ड की तरफ जा सकते हैं दैट मेक्स को सेंस तो इस तरह से करेक्टनेस और जो लफ्स रूट असल रूट वर्ड से जो उसका डिफ्रेंस है ये दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो स्टैमर है वो निस्टन बेहतर काम कर रहा है तो अपेरेंटली इसमें वाजह तौर पर नजर आ रहा है कि पोटर का स्टैमर बेहतर काम कर रहा है ये बात यहाँ पे वादे करता चलूँ कि इस तरह का जो हम काम करते हैं जिस तरह के पोटर और बाकी लोगों ने स्टैमर्स बनाए हैं लोवेंस और पाइस भी ये सारे के सारे स्टैमर्स जो हैं ये रूल्स के ऊपर काम कर का रहे होते हैं और इनमें हम हरगेज हरगेज ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर सकते टेक्निकली स्पीकिंग कौन सा स्टैमर बेहतर होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एम्पेरियल एम्पेरिकल ही रास्ता होता है जिसके थ्रू हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टैमर निस्तान बेहतर काम करेगा यानी कि हम किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट के ऊपर इन सारे स्टैमर्स को चला के देखेंगे और जो स्टैमर ओवरऑल सबसे अच्छे रिजल्ट देगा उसको हम बेस्ट स्टैमर कंसिडर करेंगे टेक्निकली कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि, कि कौन सा स्टैमर क्यों बेहतर काम कर रहा है एक और कंसिडरेशन जो स्टेमिंग के हवाले से है वो लैंग्वेज की है इस वक्त जो हमने सारी डिस्कशन की है वो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से की है और ये सारे स्टेमर्स भी इंग्लिश लैंग्वेज के स्टेमर हैं तो सर्टनली हर लैंग्वेज में लफ्स बनाना और उसके जो वेरियंट्स बनाने हैं उन सब का एक अलग तरीकाकार होगा तो जो भी तरीकाकार जिस लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहा है उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी स्टेमर्स बनाने वाले लोग हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं उन्हीं वेरिएशंस को जो लफ्ज़ों में रखी जाती हैं और जो जनरल रूल्स हैं जिनके थ्रू के हम ये एलिमिनेशन कर सकते हैं जिस तरह लफ्ज़ों में एक्सपेंशन की जा सकती है लाइक like, रोटेट से रोटेशनल बनाया जा सकता है रोटेशन बनाया जा सकता है ये लफ्ज़ एक रोटेट के लफ्ज़ की वेरिएशन है जो कि हम लैंग्वेज रूल्स को इस्तेमाल करते बना रहे हैं इसी तरह अरबी जबान में माजी और मुजारे की जो कंस्ट्रक्शन है एक पर्टिकुलर वर्ड से ज़रा बा से यजरबू बनाना ये भी लैंग्वेज के रूल्स गवर्न करते हैं कि किस तरह से ज़राबा को यजु बनाना है तो ये रूल्स जो हैं जो कि एक बेस फॉर्म से एक लफ्ज़ को उसके किसी वेरिएंट की तरफ लेके जाते हैं वो रूल्स हमने फिगर आउट करने होते हैं और उन रूल्स की बुनियाद पे ये स्टेमर्स क्रिएट किए जाते हैं तो पॉइंट ये है कि ये स्टेमर्स जो हैं हमारे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के अंदर इंडेक्स की प्री प्रोसेसिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं या ऑन द अदर हैंड कुरी में कोरी एक्सपेंशन करते वक्त भी इस्तेमाल हो सकते हैं ये हमारी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं लेमटाइजेशन और स्टेमिंग के हवाले से जो स्टेटिस्टिकली बातें सामने आई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इंग्लिश जबान में स्टेमिंग और लेमटाइजेशन कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए होता क्या है कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि री तो सर्टनली ये बढ़ाने में मददगार है एक लफ्ज़ के सारे वेरिएंट्स को आप इनकॉर्पोरेट करके सर्चिंग स्टार्ट कर देंगे या इक्विवेलेंस क्लास कर देंगे तमाम वेरिएंट्स को एक ही لفظ के ऊपर और सारी पोस्टिंग्स हर वेरिएंट की एक ही لفظ के कोरस्पॉन्डिंग हो रही हैं तो दोनों केसेस में हमारे पास जो कैंडिडेट्स का सेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है और री एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यानी कि उसके वो एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है उसमें डिक्रीज़ नहीं आता फर्क मीन्स के कोई नेगेटिविटी नहीं आती उसमें तो वो इंक्रीज़ ही हो सकता है कि जो नया आने वाला डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो या तो रेलेवेंट होगा या इरेलीवेंट होगा अगर वो रेलीवेंट है तो रिकॉल बढ़ जाएगा अगर वो इरेलीवेंट है तो रिकॉल कम नहीं होगा तो इस लिहाज से रिकॉल तो बढ़ बढ़ता हुआ हमें नजर आता है या तो वो उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा जो दूसरी कंसिडरेशन है वो ये है कि प्रिसियन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है तो प्रिसियन के ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अननेसेसरी को एक्सपेंशन से या बड़ी सिग्निफिकेंट एक क्लासेस करने से कि हम बहुत ज़्यादा अल्फाज को एक ही रूट लफ्ज़ के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दोनों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है स्टेमिंग और लमटाइजेशन के अंदर कि जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें या तो रूल्स को ज़रा नर्म रखें या फिर हम स्टेमिंग और लेमटाइजेशन को आउटराइटली एलिमिनेट कर दें कुछ लैंग्वेजेस जिनमें फिनिश लैंग्वेज की पर्टिकुलरली एग्जांपल डिस्कस की गई है लिटरेचर में उसमें लफ्ज़ों का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि उसमें वाकई में, में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हमें मिलती है स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास ये सारा जो प्रोसेस है टर्म्स से टोकन टोकन से टर्म्स बनाना और टर्म्स को इंडेक्स के अंदर डालना इसके अंदर डिफरेंट किस्म के इश्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनमें लैंग्वेज कौन सी है हर लैंग्वेज के डिफ, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इस्तेमाल होते हैं और उनके अंडरलाइन कैरेक्टर सेट्स फर्क हो सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स हाइफन्स डॉट्स पीरियड्स को किस तरह से हैंडल करना है ये इशू है नोमरिक वैल्यूज़ को किस तरह से हैंडल करना है दिस इज़ येट अगेन समथिंग टू बी कंसिडर्ड इसी तरह से सिनोनिम्स uh, को होमोनिम्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है साउंडेक्स के थ्रू हम लफ्ज़ों की करेक्शंस कर सकते हैं और फिर स्टेमिंग और लेमोटाइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं जो तरीक़ाकार हैं इनको हम इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स के साइज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर कोरी एक्सपेंशन में कुछ मदद ले सकते हैं ये सारे डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू हम इस सारे काम को हैंडल कर सकते हैं तो ये तमाम के तमाम चीज़ें हमें इंडेक्स की एक बेहतर कंस्ट्रक्शन या के की तरफ मदद करती हैं या फिर कोरी एक्सपेंशन में इंडेक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लॉयट करने में मदद देती हैं